तो आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है इतना तैयार व्यार होके? रानी आज रानी का महल देखने जाएंगे हम लोग। रानी का महल नहीं, कहाँ पे? बेंगलोर पैलेस देखने जाएंगे। कल मैंने ये इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी, तो उसमें मैंने देखा था काफी सुंदर है वो, तो बेंगलोर पैलेस हमने सोचा आ सकते थे तो वहाँ पर चले जाते हैं। इंस्टाग्राम रील में तो कुछ भी आने लगता है, उसमें तो दुबई की फोटो भी आने लगती है, तो बोलेंगे क्या दुबई? दुबई नहीं जा सकते, जहाँ पर हम जा सकते हैं वहाँ तो चले जाएंगे ना, बेंगलोर में तो कहीं पर भी जा सकते हैं। आप जाना तो है, वैसे तैयार तो हो चुकी है। हाँ। ये आपका इतना सामान सब समेट लो, कैमरा लेके तैयार हो ही जाते हैं। ये हमारे कैमरामैन अपने कैमरे को रेडी करते हुए, पहले तो चार्ज किया रहे, इसको पूरा सेट कर रहे हैं। तू बोलते मेरे अच्छे अच्छे फोटो आने चाहिए। हाँ, तो आज ये कैमरे वाली बैग मैं नहीं लूंगी, तो उस दिन ही मेरा कंधा दुखने लग गया था। तुझे पकड़ने फोटो तेरी आती अच्छी तो तुझे ही पकड़ना बैग भी। ना ना ना, ठीक है जल्दी जल्दी डालो, लेट हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे पूरे 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। घर से 2 बजे निकले थे, अभी 4:15 हो रहे हैं और 5:30 बजे ये पैलेस बंद भी हो जाएगा। और मजे की बात तो ये है, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, बात हो मतलब अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, शायद फ़ोन का भी नहीं होगा, देखते हैं आगे जाके। और पैलेस के अंदर जाने के लिए एंट्री फीस भी लगती है 240 रुपये पर पर्सन। और यहाँ पर कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है, अगर हम कैमरा ओपन करते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो हमें फ़ाइन देना पड़ता है 300 रुपये। और यहाँ पर अंदर ये छोटा सा फ़ोन भी देते हैं साथ में ईयरफोन। इस पैलेस में ना हमें कोई गाइड नहीं करता, हमें जस्ट ये फ़ोन दे देते हैं और जगह जगह पर ना नंबर्स लिखे होते हैं अंदर 1, 2, 10 ऐसे, तो इस फ़ोन में हम प्रेस करेंगे ना वही नंबर, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे क्या क्या है। फिर बाहर आते हुए यहाँ पर हमसे ये फ़ोन ले लेते हैं, और जब ये फ़ोन हमें देते हैं ना उस टाइम हमारे पास हमारा आधार कार्ड ले लेते हैं और फिर हमें ये फ़ोन देते हैं और बाहर आते हुए ये वापस ले लेते हैं। और बाहर से कुछ इस टाइप का इस पैलेस का व्यू था। बैठ जा, पूरा महल तो देख लिया, अभी बैठ जाते हैं। अंदर बैठने की जगह ही नहीं थी, यहाँ पे आके बैठ गए हम गार्डन में। अंदर महल देख के आगे क्या? आप महल तो देख लिया अंदर से, पर अंदर ऐसा कुछ था नहीं खास ऐसा। ये उस टाइम का महल नहीं है जो लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, वॉर होते थे, या अभी के नए जमाने का महल है, कोई ऐसा महल होता है क्या? मतलब महल तो कुछ इंटरेस्टिंग इसमें था ही नहीं। मतलब मेरे ना जो राजस्थान वाले महल होते हैं ना, वो देखे हुए हैं 2-4, तो वो ज़्यादा अच्छे लगे मुझे इसके अकॉर्डिंग, तो जो थोड़ा बोरिंग लगा हम लोगों को। और ऊपर से अंदर कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं था, और फ़ोटो वगैरह क्लिक करने पर 300 रुपये फ़ाइन भी लगते, तो हमने कुछ ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बाहर से देखने में अच्छा है, ऐसे बाहर के जो डिजाइन है बस यहाँ ये इतना ही अच्छा है, आप देख सकते हो। और ये पूरा गार्डन है, यहाँ पर बैठ जाओ रिलैक्स, अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। बताओ, और कुछ तलवारें वगैरह कुछ थी नहीं, ऐसे तलवार वगैरह मतलब मैं यही बोल रही थी, कुछ तलवारें वगैरह कुछ थी नहीं, तो मुझे बोल रहे ये पीछे तोप है ना, मैं ये तोप भी ऐसे लग रही है जैसे अभी अभी बनाई है इन लोगों ने जस्ट शोपीस के लिए, ये भी पुरानी लगी नहीं रही है। मतलब जो हमने पैसे दिए थे ना टिकट के 240 रुपये, वो वेस्ट गए मतलब पर पर्सन 240 रुपये मैंने टिकट के दिए थे ना, वो वेस्ट गए ऐसे समझ लो। बस ये बाहर से व्यू अच्छा है बस। हाँ बस ये व्यू अच्छा है, इतनी दूर से हम लोग आए थे, स्पेशली मैं रील देख के आई थी यहाँ पर, वैसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे। और इतनी भीड़ भी, इतने सारे लोग आए हुए हैं, और भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बट कोई नहीं, एक चीज तो देखी ना बेंगलोर में रहकर। तो 5:30 बजे ये पैलेस बंद होने का टाइम था, तो अभी 5:45 बजने वाले हैं, तो चलो चलते हैं घर पे। मैं बैग पकड़ पकड़ के थक गया, 2 घंटे आने में लगे थे, अभी 2 घंटे जाने में लगेंगे, 8 बजे घर पहुंचेंगे हम। चलो चलो,
हाँ ये तो प्रदेश की बात कर रहे थे। किस तोप के बारे में हम बात कर रहे थे? कहाँ से ये पुरानी लगती है? लगता नहीं है किसी ने चलाई होगी। चलाई भी होगी तो कहाँ पे चलाई? पूरा महल देख के आए तो राजा वाली फील ले रहे हो ना? राजा वाली जा रही है। भूख लग गई भाई हम दोनों को तो। और देखो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आमरस, और उनको देखो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनको खानी है ये गंवार फली की सब्जी। जब हम वहां से आ रहे थे ना पहले तो बोल रहे थे कि मुझे गंवार फली की सब्जी खानी है, मत तुझे काट के दे दूंगा पर मुझे बना के जरूर देना। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी बन जाए क्योंकि ये तो काटेगी, ये ग्वार फली में भिंडी खा सकेगी। इसको साइड में कर दो, भिंडी है ग्वार फली में, ये साथ में आ गई होगी। तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, फिर हम फटाफट से अपना डिनर करेंगे क्योंकि इनको बहुत ज्यादा भूख लगी है। 2000 years later. आज की हमारी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाली है। देखो तो सही कितनी ज्यादा सुंदर ये गंवार फली कटी है आज। टेस्ट करो तंग बंदा रेडी सब्जी। हाँ सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो दाल जैसी लग रही है।